अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाजरीन, आज कल गले के टॉन्सिल ज़्यादा गदूद के फूल जाने का मसला भी काफ़ी आम हो चुका है। जैसे गले पड़ना, इस मर्ज़ में गले के गदूद फूल जाते हैं। मरीज़ के निचले जबड़े के छूने से गुल्टियाँ सी महसूस होती हैं। इस गदूद में सूजन होती है, गला दर्द करता है, खाने पीने में हत्ता के थूक निगलने में भी तकलीफ़ होती है। ये अगर फैल जाए तो इससे कान भी मुतासिर होते हैं और साथ ही कान में पीप या कान बहने की शिकायत भी हो जाती है। कभी इसके साथ बुखार भी हो जाता है। मुंह में से और सांस में से बदबू आती है। इस मर्ज़ के पैदा होने की कई वजूहत हैं, जिनमें चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, नाकस घी या ऑयल में पके हुए खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म चीज़ों के खाने या पीने से, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल करने से गले की शिकायत पैदा हो सकती है। इसी तरह सर्दी लगने से, बारिश में भीगने से या गंदे पानी के पीने से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा जो लोग तम्बाकू को किसी भी सूरत में इस्तेमाल करते हैं, नस्वा या सिगरेट नोशी के आदी होते हैं या फिर तम्बाकू वाला पान खाते हैं, ऐसे लोगों को अक्सर इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह गर्द-ओ-गुबार, बार बार नज़ला लगना, जोड़ों के दर्द और दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना भी इसके बड़े सबब हैं। गले के टॉन्सिल्स की पुरानी सूजन या वर्म की सूरत में मरीज़ का जिस्म या तो बढ़कर मोटापे का शिकार हो जाता है या फिर पतला और कमज़ोर भी हो जाता है। अब हम आपको इसके कुछ आसान और मज़े तरीन घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे। अगर आप सिगरेट, तम्बाकू, ठंडे मशरूबात से, खट्टी और पस्त चीज़ों और चिकनाई से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करते हुए इनमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप थोड़े ही दिनों में बआसानी इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले नुस्खे के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले आपने लेना है कुश्ते शरी 50 ग्राम, नंबर 2 मुलट्ठी 50 ग्राम, नंबर 3 शहद 250 ग्राम। ये आपको इजली 50 स्टोर से मिल जाएंगे। सबसे पहले जी आपने मुलट्ठी को चाकू वगैरह से हल्का हल्का खुरच कर छील लेना है। फिर किस्ते शरी और मुलट्ठी दोनों को बारीक पीसकर बारीक कपड़े में से छान लें और शहद में अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। इसमें से 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। यानी कि आपने 2 चम्मच सुबह लेने हैं, 2 दोपहर लेने हैं और 2 आपने शाम में लेने हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद में आपको जो दूसरा नुस्खा बताने जा रही हूँ उसमें भी 3 ही अज्जा हैं, जिसमें सबसे पहले आपने लेनी है मुलट्ठी 50 ग्राम, नंबर 2 गिले बनफिशा 50 ग्राम, नंबर 3 देसी शक्कर 100 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको इजली 50 स्टोर से मिल जाएंगी। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो तमाम चीज़ें आपको इजली 50 स्टोर से मिल जाएंगी। तीनों को बारीक पीसकर इसको पानी की मदद से चने के बराबर गोलियाँ बनाकर रख लें। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 गोलियाँ मुँह में रखकर चूस लिया करें। कुछ अरसा मुतवासिर इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अमले तवास की फली लें, यह भी 50 स्टोर से आपको इजली मिल जाएगी। अमले तोस का दरख्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अक्सर मकामात पर मिल जाता है। इसकी स्याह रंग की फलियां लेकर इन्हें तोड़ें और इनके अंदर से स्याह रंग की गोल गोल टिक्कियां सी निकाल लें। यह तकरीबन 50 ग्राम की मिकदार में लें। 1 लीटर पानी में बॉयल करें। इस पानी को फ़िल्टर करके नीम गर्म हालत में दिन में 4-5 मरतबा गरारे करें। नाजरीन, ये तीनों ही नुस्खे गले के टॉन्सिल्स के फूल जाने में इंतहाई मुफीद हैं और मुअस्सर साबित होते हैं। आप इनमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही नाजरीन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।